बुरी लगती है करण लग गया था ना तेको छुटा गली प्रैक्टिस कर रहा था मैं करण लगता तो ऐसे ही होता ना इधर आ बस काम का टाइम तेको मजाक सोच रहा काम कर ओके अबे तू सीधे चल हाय हाय क्या रे दादा क्या रे अरे यार मैं थोड़ा काम से जा रहा था वो छोटू की गैरेज के पास काम है मेरे को कहाँ पे है गैरेज थोड़ा बताएंगे क्या अबे मेरी जान तू यही रुक बहुत आड़ा टेढ़ा रास्ता है तू कम जाएंगे अपन लेके जाते ना इसको चल गैरेज पे जाएंगे ओ भाई अबे टेंशन मत ले चल मेरे साथ अरे भाई ओ यार मेरा हुड लेके कहाँ जा रहा तू टेंशन मत ले तेरी पूरी ओवरहॉलिंग कराऊंगा मैं आ गई गैरेज काम निकल गया साला क्या तुम असल आया रे इसने इसका ना पांचवा गिरीज नहीं गिर रहा यार देख तो इसका जरा कहाँ पे कचरा फसेला है धुआं भी बहुत मार रहा था यार अबे एक किलोमीटर तक आने के वास्ते 4 लीटर डीजल क्लास कर दिया इसने वो 4 लीटर डीजल ऊंट को गधे 4 बाटले तूने लगाया होगा क्या बुरा तेरे तू और नो ले बजरा कार्पोरेटर में कचरा है गाड़ी धुआं मार रही इधर आ तू गाड़ी अबे हाँ क्या बोल रहा है दादा हाँ कहाँ गान पसे ना माँ नो 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 निकली गान निकली अब कार्पोरेटर एकदम मोकला हो जाएगा डीजल भी कम लगेगा ओह नो अबे दादा मैं यहाँ कैसे क्या आ गया अबे और ये हुड यहाँ क्या कर रहा लंदन से वापस आ गया ना गांव में वो गधे ये हुड को तूने ही लाया ना क्या बात कर रहा यार ये मेरे हुड को लेके आ गया तूने हां मेरे को दवा खाने में लेके जाने कर देना बाजू में हुड को ये हुड मैंने लाया बदीर ये हुड तूने लाया था ना उतर गया नशा वो नशा उतरने के बाद भी होश नहीं आ रहा हटा रे गाड़ी और लगा इसको काम पे और खोल इसके नट बोला ए नहीं ना दादा पकड़ हां चलो अब गा रहे तो कब से वहां पे इधर आ तो हाँ क्या हो रहा दादा अबे दादा लोट लोट के ना पसीना पसीना हो गया स्टार्ट ही नहीं हो रही हटो तो दादा इसका ना टब बदलना पड़ेगा साला टब का मशीन से क्या ताल्लुक है यार और दादा इसके ना तुम्हें इंडिकेटर भी बदलना पड़ेगा वो जाम हो गए ले अरे मेरे बाप इंडिकेटर बंद होते सुना था साला जाम हो गया ये हाँ और ये टायर में ना आयल भी कम दिख रहा वो भी डालना पड़ेगा ओए अबे टायर में हवा रहती क्या आयल रहता कुछ बोल रहे घर से ज्यादा समझता क्या तू मैकेनिक तू है क्या मैं और ये सब साइड ग्लास भी बदल सब खराब हो गए अरे मेरे बाप रे बाप अबे खाली रिक्शा बंद हुई थी इसने तो 15-20 हजार रुपए गड्ढे में डाल दे रहा है अब क्या करूं अबे क्या बे दादा कब से ढूंढ रहा मैं तेकू क्या हो गया अबे रिक्शा बंद हो गई ना अबे दादा मैं तेकू पैसे देने के वास्ते ही ढूंढ रहा था क्यों रे अबे दादा 2 घंटे से तेरी गाड़ी लेके मैं ही घूम रहा था क्या ओह नो 2 घंटे से तेरे पास थी ये गाड़ी हाँ वो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था इससे मैंने खड़े कर दिया था पेट्रोल खत्म हो गया था क्या रे इंडिकेटर बदली करना पड़ेगा ओह नो टायर में आयल डालना पड़ेगा ये हुड बदली करना पड़ेगा पूरा साइड ग्लास बदली करना पड़ेगा 15-20 हजार का खर्चा बता रहा था अरे मेरे को भी मालूम था दादा पेट्रोल डालना पड़ेगा पर मैंने ऐसे सोचा कि लगे आज रिश्ता भी लोभी दीजिएगी ना क्या रुमा क्या है फुकट का खर्चा बता रहा तेकू बनाया कि ना रे मैकेनिक चिल्ला मत ज्यादा जरा हिसाब में बोल ले तो क्या करेगा रे
क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा तो तेरी रिक्शा में पेट्रोल डाल के स्टार्ट कर दूंगा। हेड चला अच्छा हो गया, आधे लीटर पेट्रोल में मुसीबत टल गई। हाय छोटू। छोटू मेरी गाड़ी खराब हो गई, जरा देखो ना। गाड़ी बिगड़ गई? तुम्हारी गाड़ी बिगड़ गई? हाँ गाड़ी बिगड़ गई मेरी। बड़ो, बड़ो, बड़ो। लाइट तो बरबाद जल रहे साहब, कॉलेज भी तो बरबाद है, रेस भी तो एक नंबर है, फिर कैसे का बिगड़ गई? अबे मैं नहीं, मेरी गाड़ी बिगड़ गई। ओह नो। और यहाँ मेरा दिल बिगड़ गया, उसका क्या? प्लीज देखो ना भैया, भैया भैया भैया। ओह नो। ए देख रहे इसकी गाड़ी को क्या हुआ, और पैसे भी पूरे लेना। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई ना भैया। ऐसा नहीं, ये गाड़ी का काम नहीं हो सकता यहाँ। क्यों? क्योंकि कुछ लोग शाकाहारी रहते, कुछ मांसाहारी रहते, वैसे मैं लड़की हारी है। ओह नो। चल दूसरी गाड़ी ढूंढ। ओह शिट। क्या रे छोटू, बन के क्या गाड़ी मेरी? अरे नहीं दादा, अभी तक हाथ भी नहीं लगाया उसको। अबे तीन दिन हो गए ना दे के गया, तो अभी तक हाथ भी नहीं लगाया तूने गाड़ी को। चल सब काम छोड़, गाड़ी बना वो। Let's go! वहाँ क्या कर रहा? तो गाड़ी में इंजन नहीं है, अब इंजन क्या हुआ? अरे अरे सुन तो। बिगर इंजन की गाड़ी चल रही थी। अरे अरे सुन तो। तो मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, बिगर इंजन की गाड़ी चल रही कैसे? अरे मेरी बात तो सुन। ये तो एकदम अजूबा ही हो गया। देखो रे। अरे मेरी बात तो कुछ चुप है। सही में इंजन नहीं यार, पर मेरा बाप जिंदगी में नहीं देखा बिगर इंजन की गाड़ी। तो यार ये तो करिश्मा हो गया। ए आ रे देखो रे। ओह शिट। हेलो लू चलो ला लो। लेट्स गो। यहाँ पर, यहाँ पर। ए हटो हटो, ए हटो रे, रास्ता तो दो। अबे क्या यार, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? अरे आओ देखो ना, ये गाड़ी में इंजन नहीं है और बिगर इंजन की गाड़ी चल रही। ओह नो। आपने पहले कब देखा? हाँ कब देखा, कब देखा? हाँ जैसे मैंने डिक्की खोला तो उसमें देखा मशीन ही नहीं था। आकाश जवानी के साथ अशोक मिश्रा आपके सामने प्रस्तुत है। अबे इधर छूट कर। ओके। ये गाड़ी का मालक कौन है? ये आई आई ये ले, डाल ले, डाल ले, डाल ले पूरा। अरे आप तो गुस्सा हो रहे हो सर, इधर आइए आप। हाँ क्या है, उठे चिरा खड़े बैठ, हटिए हटिए। हाँ तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये गाड़ी बिगर मशीन के किस तरीके से चलती है। आइए गाड़ी मालक से बात करते हैं। हाँ तो बताइए ये गाड़ी कितने दिनों से ऐसे ही चल रही है? अरे वही तो मैं कब से चिल्ला रहा, सुन नहीं रहा ना ये। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? आप बिंदास बोलिए, आपकी आवाज को कोई नहीं दबाएगा। हाँ बोल, सारी मीडिया के सामने बोल, गाड़ी बिगर इंजन के कैसे चल रही? अरे वही तो कब से बोल रहा मैं, ये गाड़ी की डिक्की है, इंजन आगे है। हाय गाइस, अगर आपको छोटू की गैरेज अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल जेके के एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए।